ओके वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वे वी लेफ्ट क्वेश्चन 11 शॉर्ट दिस डिवीजन वॉज नॉन एज पार्टीशन यानी कि जो दो बॉर्डर बनाए गए थे ना कि कहाँ से इंडिया स्टार्ट होगा कहाँ पे पाकिस्तान इनकी स्टार्टिंग एंडिंग उसको हम कहते हैं जी पार्टीशन। अच्छा जी वेन वॉज सर सैयद अहमद खान बॉर्न सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न ऑन 7 अक्टूबर 1817 व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 1875 इट लेटर बिकेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी पहले जो उन्होंने कॉलेज बनाया था बाद में जो है वो यूनिवर्सिटी बन गया। व्हेन सर सैयद अहमद खान वॉज ग्रांटेड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश सर सैयद अहमद खान उनका नेम तो सैयद अहमद खान था ना उनको सर का लकब कब मिला ये नाइटहुड उन्हें कब मिली सर सैयद अहमद खान वॉज ग्रांटेड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश इन 1888 व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान डाई उनकी डेथ कब हुई सर सैयद अहमद खान डाइड ऑन 27 मार्च 1898 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलामा अलामा का मीनिंग क्या है अलामा इज द टाइटल और उसका मीनिंग है ग्रेट स्कॉलर बड़ा आलिम। व्हेन डिड अलामा इकबाल स्टडी लॉ वेयर डिड कहाँ पे अलामा इकबाल ने लॉ पढ़ा अलामा इकबाल स्टडीड लॉ एट लिंकन्स इन इन लंडन यूके व्हेन वाज अलामा इकबाल नाइटेड अलामा इकबाल को कब सर उनको भी सर का टाइटल मिला था ना वो कब मिला अलामा इकबाल वाज नाइटेड इन जनवरी 1923 फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स जो आपने आप पोइट्री करते थे जो आपने एक मैसेज दिया था क्योंकि वो एक ग्रेट मैसेज था तो उसके हवाले से फिर आपको जो टाइटल मिला। व्हेन डिड अलामा इकबाल डाई अलामा इकबाल डाइड ऑन 21 अप्रैल इन 1938 वेन वॉज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बॉर्न कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 वेन डिड कायदे आजम प्रैक्टिस लॉ कायदे आजम वेयर डिड कायदे आजम प्रैक्टिस लॉ कायदे आजम ने कहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस की कायदे आजम प्रैक्टिस लॉ इन बॉम्बे मुंबई। वेन वॉज कायदे आजम इलेक्टेड टू इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कायदे आजम वॉज इलेक्टेड टू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1909 When did कायदे आजम die? कायदे आजम died on 11 September 1948. अच्छा जी इसके बाद में आ जाएंगे हम लोगों के MCQs और ये भी आपकी बुकलेट में है हम लोग उसकी सेल्फ अटैम्प्ट करेंगे और आप लोगों ने देखना है अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा तो फिर तो आप लोग इसको कर सकते हैं और अगर आपने नहीं किया होगा फिर आप नहीं कर सकते इसको चैप्टर को जो है ना अच्छे से गो थ्रू करना ज़रूरी है। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन खास तौर पर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है यही शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आगे से एमसीक्यूज़ करने में भी हेल्प आउट करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से करें चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करें तो इसको करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जी अब आपने करने हैं इसके एमसीक्यूज़ एंड नाउ वी आर गोना डू